दोस्तों आईपीएल 2024 का ऑक्शन काफी नजदीक है, तो ऐसे में आईपीएल की सभी 10 टीमें अपने अपने स्क्वाड से बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 10 टीमों के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आईपीएल का ऑक्शन नजदीक है। तो जैसे ही टीमें अपने रिलीज रिटेन की लिस्ट जारी करेगी या फिर कोई प्लेयर को ट्रेड करेगी तो सबसे पहले अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप बिना देर किए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सभी 10 टीमों के टॉप रिलीज प्लेयर्स का नाम बता देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से रिलीज करती हुई नजर आएगी, उसमें पहला बड़ा नाम आता है सरफराज खान का, इसके बाद दूसरा नाम आता है लुंगी एनगिडी का, इसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान और मनीष पांडे। तो इन चार प्लेयर्स को यह टीम बाहर करेगी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पृथ्वी शॉ को भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेंशन प्रोसेस में अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो कुल मिलाकर के इन पांचों प्लेयर का डीसी के स्क्वाड से रिलीज होना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस की टीम जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाएगी, उसमें पहला नाम आता है तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ का, इसके बाद यह टीम बाहर करेगी यश दयाल को, इसके बाद प्रदीप सांगवान क्योंकि उनका एज ज्यादा हो चुका है, इसके बाद जयंत यादव, और एट द एंड ये टीम ओडियन स्मिथ को भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो कुल मिलाकर के गुजरात टाइटंस की टीम इस साल रिटेंशन प्रोसेस के अंदर इन सभी प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर करती हुई नजर आएगी। इसके बाद इस लिस्ट की अगली बड़ी टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर कर रही है, उसमें पहला नाम आता है शार्दुल ठाकुर का जो कि मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी में ट्रेड भी हो सकते हैं, इसके बाद दूसरा नाम आता है लॉकी फर्ग्यूसन का, इसके बाद टीम सऊदी, उमेश यादव, एन जगदीशन, डेविड विजे, इसके साथ ही मनदीप सिंह, और एट द एंड ये टीम साकिब अल हसन को भी अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। तो कुल मिलाकर केकेआर के रिलीज लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम शामिल होगा। और हम आपको बताते चले कि जैसे ही ये टीम शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे दो बड़े प्लेयर्स को बाहर करेगी तो इनके पर्स बैलेंस में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर करेगी, उसमें पहला बड़ा नाम आता है ओबेड मकोय का जो कि फास्ट बॉलर है वेस्ट इंडीज से है, इसके बाद अगला नाम आता है यहाँ पे केसी करियप्पा का, इसके बाद मुरुगन अश्विन, ऑलराउंडर जेसन होल्डर, इसके बाद डोनेवन फेरारी। तो इन सभी प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाएगी, और इनके रिलीज लिस्ट में होल्डर और इसके साथ ही यहाँ पे डोनेवन फेरारी के रूप में दो बड़ा नाम इंक्लूड है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है पांच बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई इंडियंस जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर करेगी, उसमें पहला नाम आता है डेवाल्ड ब्रेविस का क्योंकि इनके पास सेम स्पॉट के लिए दो तीन प्लेयर्स हैं, तो डेवाल्ड ब्रेविस को ये टीम रिलीज कर देगी। इसके बाद अगला नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, करेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंजुरी कंसर्न के चलते ये टीम आर्चर को रिलीज करेगी, इसके बाद झाई रिचर्डसन और एट द एंड शम्स मुलानी को भी मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। तो एमआई के रिलीज लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम शामिल होगा। इसके बाद इस लिस्ट की अगली बड़ी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट्स जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाएगी, उसमें पहला नाम आता है जयदेव उनादगढ़ का, इसके बाद डेनियल सैम्स, इसके बाद दीपक हुड्डा और एट द एंड रोमारियो सेफर्ड, जहां पर रोमारियो सेफर्ड तो ऑलरेडी ट्रेड होकर के मुंबई इंडियंस में जा भी चुके हैं, तो सेफर्ड तो ऑफिशियली लखनऊ से रिलीज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लखनऊ सुपर जायंट के रिलीज लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम मुख्य रूप से इंक्लूड होगा। इसके बाद इस लिस्ट की अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और आरसीबी जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर करेगी, उसमें नाम आता है डेविड विल्ले का, इसके बाद करण शर्मा, इसके बाद आकाश दीप, मनोज भंड
डगे, इसके बाद नाम आता है राजन कुमार, सोनू यादव, दिनेश कार्तिक और रिस टॉपले का। तो इन सभी प्लेयर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आएगी और आरसीबी के रिलीज लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम इंक्लूड होगा। इसके बाद अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की, और चेन्नई जिन बड़े प्लेयर्स को रिलीज करेगी उसमें पहला नाम है बाती रायडू का, जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद नाम आता है शुभ्रांशु सेनापति का, इसके बाद डोयने प्रिटोरियस, इसके बाद नाम आता है शेख राशिद, अजय मोंडल, भगत वर्मा और एट द एंड 16 करोड़ के बेन स्टोक्स को भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के रिलीज लिस्ट में इन सभी का नाम इंक्लूड है। स्टोक्स को ये टीम इसलिए बाहर करेगी क्योंकि अगले साल वो आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस वजह से बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आएगी। इसके बाद इस लिस्ट की अगली बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और SRH जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर करेगी उसमें पहला नाम आता है अफगानी तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी का, इसके बाद नाम आता है उमरान मलिक का जो कि काफी स्पीड गति से गेंदबाजी करते हैं, इसके बाद नाम आता है हैरी ब्रुक का और एट द एंड आकिल हुसैन को भी सनराइजर्स हैदराबाद अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। जहां पे हैरी ब्रुक को ये टीम बाहर करेगी तो इनके पर्स बैलेंस में 13.25 करोड़ का उछाल होगा, तो इस वजह से हैदराबाद 100% इस बड़े प्लेयर को अपने स्क्वाड से रिलीज करती हुई नजर आएगी। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब किंग्स जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर करने वाली है उसमें नाम आता है पहला भानुका राजपाक्से का, जो कि श्रीलंकाई ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसके बाद अगला नाम आता है राजंगत बाबा का, दो सीजन से इन्होंने पंजाब के लिए बढ़िया नहीं खेला, तो इस वजह से राजंगत बाबा को ये टीम बाहर करेगी। इसके बाद नाम आता है कैगिसो रबाडा और सैम करन का, जहां पे रबाडा को ये टीम मुंबई में ट्रेड भी कर सकती है और सैम करन को हाई प्राइस मनी के चलते ये टीम रिलीज करेगी और हो सकता है कि ऑक्शन में रीबाई करने का प्रयास करे। तो ये था पंजाब किंग्स की टीम के रिलीज प्लेयर्स का नाम, और इसके साथ ही सभी 10 टीमों द्वारा रिलीज किए जाने वाले प्रोबेबल प्लेयर्स की लिस्ट, आपके हिसाब से आपकी फेवरेट टीम को और कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए, आप उन सभी प्लेयर्स का नाम वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और रिलीज रिटेन प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट जो है वो आप सभी को शायद 25 या फिर 26 नवंबर को देखने को मिलेगा, जहां पे इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क करेगी। और इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि स्टार स्पोर्ट्स तो इसका लाइव प्रसारण करेगी टीवी में और मोबाइल फोन में जियो सिनेमा एप्लीकेशन पे आप इसका लाइव प्रसारण देख पाएंगे। तो ये था रिटेंशन से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।